चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ डिजीजेस पढ़ी थी, ठीक है। तो आज जो हम पोर्शन कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास इम्यूनिटी वाला, ठीक है। तो इम्यूनिटी की बात करते हैं, देखो तो जब तुम जैसे जानते हो कोरोना वायरस चल रहा है, तो आजकल लोग क्या ले रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं। तुमने देखा होगा, आप तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। तुम यूपी में रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो, और यूपी का जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। और जो एक मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री नहीं, होम मिनिस्टर, ठीक है, वो भी गृह मंत्रालय, वो हमारे पास अमित शाह, वो भी, उनको भी कोरोना वायरस हो गया। तो इसका मतलब बहुत ही अनकंट्रोल चल रहा है। तो अब इससे बचने का क्या उपाय है, वो तो क्या है, इसका मतलब अब उनको क्या दिया जाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाएगा, राइट भाई। अब यस सर। अपने इम्यूनिटी को, वो अपने इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे तभी तो उसको टैकल कर पाएंगे। आज तुमने देखा होगा हमारे रिलेटिव में, मतलब दूर की स्थिति में आते हैं वैसे तो कमला रानी को जानते हो शायद, तुमने देख लिया होगा योगी कैबिनेट की, योगी कैबिनेट में मिनिस्टर थी वो, तो आज वो भी एक्सपायर कर गई है। तो ये सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ ये सब, ठीक है। हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो अब वो क्योंकि उनकी एज क्या है बताओ, जो बताओ उनके ऊपर ज्यादा रिस्क था ना या नहीं था, मैंने फोटो देखी यस होगी, सर। तो वो यंग थी या ओल्ड थी, थोड़ी ओल्ड थी, तो ओल्ड थी तो ऑफकोर्स उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, और जब स्ट्रांग नहीं होगी तो इसलिए ये सब चीजें बहुत कॉमन थी। यस राशि, कैन यू हियर? यस आई कैन हियर। ओके, तो मैं एकदम मेन स्क्रीन पे तो नहीं दिख रही हो मुझे, ये मेन स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा है बच्चे मेरे को, ठीक है। अच्छा, सब लोग जो 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 उन्होंने वीडियो ऑन कर रखी है वो अपना ऑडियो भी ऑफ रखे, ऑडियो ऑन रखे, ठीक है, ताकि तुम मेन स्क्रीन पे देखो। हाँ, तो ये इम्यूनिटी हमारे, अच्छा तो इम्यूनिटी क्या होती होगी, कहना ही सही, इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। राशि तो वैसे शक्ल भी यस बना रही हो, सर। किसको देख रही हो? तो आगे मेरी बहन नाच रही है कुछ अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत टैलेंटेड बच्चे हमारे। नहीं। ये डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी का उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जितनी यस अच्छी सर। इम्यूनिटी होगी तुम्हारी बॉडी का उतना ही डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, तो ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, राइट। तो कहना ही सही, फाइट विद दी फॉरेन एजेंट्स, तो ये फॉरेन यस एजेंट के साथ सर। फाइट करता है, ठीक है। और फॉरेन एजेंट के साथ ही नहीं, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई भी चीज गड़बड़ हो गई है, तुम्हारे सेल इन्फेक्ट हो गए हैं, तुम्हारे सेल खराब हो गए हैं, तो ये उनको भी हटाने में हेल्प करता है, राइट। तो कहना ही यस सही, सर। फाइट एंड रिमूव द फॉरेन एजेंट, तो फाइट, एक तो ये उनसे फाइट करता है, फाइट द फॉरेन एजेंट, ये TH लिख लेना, फाइट द फॉरेन एजेंट, तो ये फॉरेन एजेंट से लड़ने में हेल्पफुल होता है। तो देखो अब हमारे पास इम्यूनिटी जो होती है ना, जैसे तुम लोग इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हो उससे काफी अच्छा होता है, तो ये इम्यूनिटी एक्चुअली में ना दो टाइप की होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी एक्चुअली इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट हमारे पास है इननेट इम्यूनिटी, और सेकंड हमारे पास क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो एक बेबी है, एक बेबी की बर्थ हुई है, तो जो इम्यूनिटी राइट नाउ उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। क्योंकि वो उसकी बॉडी में जस्ट प्रेजेंट है पहले से ही। मुझे एक बात बताओ, जैसे बेबी जस्ट जस्ट बेबी हुआ है, तो अभी भी जब बेबी हुआ है तो बताओ उसकी बॉडी में स्किन है या नहीं, स्किन, अगर स्किन है तो क्या बैक्टीरिया कहीं से भी एंटर कर जाएगा? नहीं, बैक्टीरिया से माउथ नोज इन सब से एंटर कर पाएगा, मतलब स्किन से डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो ऑलरेडी उसके पास है। बताओ उसके माउथ में थोड़ा सलाइवा आएगा या नहीं आएगा? तो बच्चा रोता है तो बच्चे के आंसू निकलते हैं, नहीं निकलते हैं? निकलते हैं, उसके जन्म से ही निकल रहे हैं, बाद में आके सीखता है कैसे रोना है, जन्म से निकल रहे हैं। ये भी तो आंसू के अंदर भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बाहर आ जाते, मान लो उसकी आंख में कुछ चला गया तो आंसू के जरिए, तो इसका मतलब रोना भी अच्छी बात होती है, ठीक है। अगर तुम रो रहे हो अकेले में बैठ के तो अच्छी बात है, रो और रो क्यों, ताकि उससे जितने बैक्टीरिया फंगस है तुम्हारे आईज के अंदर वो सब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी किसी का अगर दिल टूटता है, या अगर किसी का मान लो कोई अपसेट हो जाता है, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, किसी के नंबर कम आते हैं, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि तुम उससे रोगे, और उससे रोगे तो तुम्हारी बॉडी की क्लींजिंग होगी, ठीक है, बैक्टीरिया फंगस मर जाएंगे उसके, तो जिनको बुरा नहीं लग। अरे कौन है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से तुमने दिखाया कि कैसे रोआ जाता है, लेकिन प्लीज कुछ लोग ऐसे भी रोते हैं जो अपना आवाज के भी रोते हैं, ठीक है, थीके? उनके आंसू टपकते हैं लेकिन वो आवाज नहीं करते, तो ऐसे रोना सीखो, ये ऐसे फालतू में बच्चों की तरह मत रो कि बस रो रहे हो, आंसू बिल्कुल भी नहीं है, उसे रोने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में बिल्कुल नहीं आंसू होते, लेकिन बस चिल्लाने में वो नंबर वन होते हैं, सुबह सुबह उठते चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो चिल्लाएंगे नहीं, जब तक उनकी देख रेख कोई नहीं करेगा, उनको वो चाहिए होती है ना, क्या कहते हैं उसे, फुटेज चाहिए होती है, पैम्परिंग चाहिए। क्या पैम्प से? पैम्परिंग से पैम्पर करना।
मैमी पोगो बैंक कुछ अब नाम मम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट ये कहां से आया दूसरा वाला सर आप तो अलग ही चलते हैं ठीक है वेरी गुड अच्छा स्वस्तिक आ गई है देखो ये एक्चुअली हमारे ना ये पूरी आईएलसी के विपक्ष में बैठती हैं ये अध्यक्ष हैं एक्चुअली सर विरोधी दल विरोधी दल सर विरोधी दल बनेंगे आगे जाके इन्होंने कह दिया कि चाहे सरकार किसी की बन रही हो कुछ भी हो जाए मैं उसमें इस्तीफा देके अपोजिशन में आ जाऊंगी और जब अपोजिशन सरकार में आ गई तो मैं दूसरे वाले को ज्वाइन कर लूंगी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं मिस्टेक्स निकाल बहुत अच्छी है क्योंकि मैम बहुत अच्छी है और आगे जाके इंग्लिश की टीचर ही बनने वाली है हाँ तो ये हमारे पास इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो एक ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से ही तुम्हारे साथ है ठीक है जन्म से ही तो वो क्या होती है इनेट इम्यूनिटी तो कहना ही से दीज आर द डिफेंस एलिमेंट्स which are like which you have already since your birth या ये बोल सकते हो कि elements with which an individual is born ठीक है जिसके साथ तुम born हुए हो तो we can say defense elements अच्छा defense elements से मैंने कुछ समझाया था ना तुम्हें WBC के बारे में याद है NL map neutrophil lymphocyte monocyte eosinophil basophil ये पांच type के cell होते हैं ठीक है सब बच्चे याद रखना तो ये डिफेंस एलिमेंट्स होते हैं विद विच जिसके साथ तुम जन्म लेते हो विद विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न जिसके साथ एक इंसान जन्म लेता है ठीक है तो ये बेसिकली यस यस तुम्हारी आवाज कैसे नहीं आई कि बिल्कुल आई तो ये बेसिकली क्या करती है प्रोटेक्ट करती है बॉडी को राइट ऑफ कोर्स क्योंकि बेबी आया है तो देखो अब मान लो इस टाइम पे कोरोना आएगा किसी की डिलीवरी होती है तो बाहर अब भाई कोरोना तो ऐसा है कि बचा ही नहीं सकते उसको तो सबको इन्फेक्ट होना ही पड़ेगा लेकिन एक छोटे सा बैक्टीरिया जो सिर्फ छींक लेकर आता है खांसी लेकर आता है तो उससे तो बच ही सकता है ना वो आर यू गेटिंग दैट पीपल यस सर ठीक है तो छोटे मोटे बैक्टीरिया का बचने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए ठीक है नाउ अब जैसे मान लो एक्वायर्ड है यस हर्षिता क्या लगता है ये क्या होता होगा एक्वायर्ड जो वायरसेस हम लोग के अंदर आते हैं ये तुम्हारी आवाज थी अर्चिता सही मेरी आवाज थी अच्छा ये डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके साथ क्या होता है कोई इंडिविजुअल एक्वायर करता है ठीक है तो एलिमेंट्स एक सेकंड इसको ऐसे लिखना विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम या बोल सकते हो आफ्टर द बर्थ या लाइफ टाइम में जो एक्वायर किए जाते हैं ठीक है लाइफ टाइम में तो जो पहले से नहीं थे तो वो जो था एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड के नाम से पता लग रहा है ना बाद में डेवलप हुआ होगा राइट और जब न्यूट्रिएंट्स के हाँ हाँ बिल्कुल और इननेट जो हाँ हाँ बोलो सर अगर कोई डेफ है तो वो वापस रिकवर कर सकता है क्या फिर से बोलना एक बार सर कोई डेफ है अगर तो वो वापस रिकवर कर सकता है कोई डेथ डेफ डेफ बहरा 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 अच्छा डीफ ठीक है तो सर इसका इम्यूनिटी से क्या लेना था ना भाई ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम किसी की तुम आंख फोड़ दो और कहो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं डिफेंस मैकेनिज्म से ठीक हो जाएगी वो बाद में इसका मतलब तुम तो पैथोजन हो गए ना फिर एक तरह से डिजीज कॉजिंग एजेंट जब तुम उसकी आंख फोड़ दी ऐसा नहीं होता है भाई ठीक है ऐसी किसी को मान लो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए तो ऐसे करके तो कोई कुछ भी करेगा ऐसा नहीं होता है भाई ठीक है ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो ये सब इनके ऐसे नहीं होता है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो डिजीज बैक्टीरिया फंगस इन सबसे होते हैं बताओ बहुत टैलेंट है हमारे देश के अंदर और ये टैलेंट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे वेरी गुड इंडिया गॉट टैलेंट हां तो अवार्ड भी लेंगे तुम जाते हो हां हां यस 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 सर बचपन में क्या क्या बोल रही हो मैं कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बोला आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है आई नो दैट बट स्टिल थोड़ा सा चलो बन रहा था सर बचपन में सब अच्छा ये थैंक यू सर हाँ हाँ आस्था यस बोलो बोलो सर बचपन में सबकी इम्यूनिटी सेम सी होती है क्या ऐसा नहीं है नहीं नहीं सेम नहीं होती किसी की अलग होती है किसी की अलग होती है तो किस चीज पे डिपेंड करती है
वो जेनेटिकली भी हो सकती है और तुम्हारे खाने पीने पे भी डिपेंड कर सकती है कि तुम कैसा खाते हो खाना, खाने पीने पे, और तुम कौन सा बाहर का फूड ले रही हो, अंदर कितना, अंदर का कितना खाना खाती हो। जैसे मान लो कोई छोटी बच्ची, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, उनको क्या चाहिए, पिज्जा बर्गर चाहिए, मोमोज चाहिए। 3 साल की बच्ची बताओ मोमोज खा रही है। आप भी तो खाते हैं। अरे तो मैं मना कर रहा हूँ क्या, मैं बात बता रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ विपक्ष में, तो यही देखो यही होती है विपक्ष में रहने की कहानी, मतलब कुछ भी बोलते रहो बस उनको बस एक्सप्लेन करना है। आप भी तो खाते, तो मैंने मना किया, हम तो कह रहे हैं हम खाते हैं, आप भी खाओ, मैं तो बस बात बता रहा हूँ ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छे विपक्षी नेता बने आप, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारी भी तो समझिए, आप बेफालतू के इल्जाम लगा रहे हैं यार, जब जरूरत पड़ेगी तब बिल्कुल लगाओ, हम स्वागत करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब इननेट इम्यूनिटी के ऊपर आते हैं। तो हर किसी की, जैसे वो एक वाली मूवी आई थी वो जिसमें कंगना रनौत थी और वो जिसमें वो खेलती है कबड्डी वबड्डी खेलती है वो पंगा। हाँ, तो पंगा में जो उसका बेबी होता है उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जब वो बोलते हैं ना उसको कि आपके बेटे की इम्यूनिटी वीक है थोड़ी, तो वो उसका ध्यान रखती है जिसके वजह से उसे कबड्डी छोड़नी पड़ती है। कुछ कुछ याद आ रहा है, टीवी देखते ही नहीं है, अच्छी बात है नहीं देखते, ये सब नाटक है झूठ मुड़ के सब देखते हैं, मुझे पता नहीं है क्या। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इननेट इम्यूनिटी, बल्कि टीवी तो मेरे पास नहीं, मुझे ये सब बच्चे बताते हैं, बताओ मुझे याद रह जाता है, तुम लोग टीवी देखते हो शाम को चल रहा होगा टीवी। सर आप हमेशा बोलते हैं कि मैं रात में सीरीज देखता हूं, ये सीरीज देखी वो सीरीज देखी, तो ये हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, यस सर, आपने हैरी पॉटर कहां देखी है, बच्चे ने बताइए मुझे, मैंने बुक मंगवाई थी उसमें पढ़ा। सर आपके बच्चे बस यही बताते हैं ना। अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, सर आप भी क्लास ले दो क्या इन चीजों की, चुप हो जाओ। यस अभी रुक जाओ, सबके खिलाफ निंदा प्रस्ताव मैं लेकर आऊंगा, वो पास हो जाएगा। सक्षम, तुम्हें सुन, तुम्हें आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो innate immunity की बात करते हैं, तो इसके साथ तुम जन्म लिया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, हमने innate मुझे बोल रहे थे। अरे एक सेकंड चुप रहो सर, मुझे अब देखो, मुझे बोल रहे थे immunity है। तो innate immunity क्या, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में स्किन है, तो तुम्हारी बॉडी में स्किन क्या कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारेगा, कोई पर्टिकुलर वायरस को मारेगा, या ये सबके लिए ही है, मतलब कुछ भी सबके लोग कोई कॉमन प्रोटेक्शन के लिए है। सर कॉमन प्रोटेक्शन है, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे पास स्किन है तो कोई कोरोना वायरस मारने नहीं देगा और ये लेकिन ये उसको आने देगा, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक हुआ या नॉन स्पेसिफिक हुआ, इननेट नॉन स्पेसिफिक हुआ, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई वो थोड़ी है, किसी को रोकेगा रैंडमली, किसी को नहीं रोक पाएगा, तो वो है नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है ना कि पता नहीं किसको रोके किसको ना रोक पाए। जैसे कोरोना है, क्या कोरोना को तुम्हारी बॉडी रोक पा रही है? नहीं, तो वो एंटर कर जाएगा। लेकिन कोई बैक्टीरिया है जो तुम्हारी बॉडी के स्किन पे लग गया, वो एंटर नहीं कर पा रहा, तो ये रैंडम हुआ ना, ठीक है। अब आते हैं एक्वायर्ड पे। अब एक्वायर्ड का स्पेसिफिक हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर बनाया जाएगा WBC, और वो तो स्पेसिफिक ही होता है कि कौन एंटीबॉडी बनाएगा, किसके खिलाफ कैसी बनाएगा, तो ये वाला इसको बोला जाता है स्पेसिफिक, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक इननेट। अच्छा तो बताओ पहले कौन सी आती है, इननेट आती होती होगी या एक्वायर्ड? इननेट इम्यूनिटी आती है। वेरी गुड सर, एक्वायर्ड तो मेडिसिंस के थ्रू भी करते होंगे ना? नहीं, एक्वायर्ड मेडिसिन के थ्रू करवा सकते हैं, बट ऐसा करने की जरूरत होती नहीं है। जैसे अभी तुम जैसे अपना इम्यूनिटी बूस्टर को तुम इम्प्रूव कर रहे हो, तो चलो ये बोल सकते हो कि एक तरह से तुम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है। इननेट वाला तो हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। वैक्सीनेशन के अंदर भी हम एक्वायर्ड से इननेट के अंदर भी बताऊंगा, यही सब आने वाला है इसके अंदर, अब यही हम पढ़ने वाले हैं, पता लग जाएगा तुम्हें। अब देखो मेरे पास इननेट इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो इसके अंदर ना आते हैं एक्चुअली में बैरियर्स, क्वेश्चन आता है, तो इननेट इम्यूनिटी के अंदर मेरे पास होते हैं बहुत सारे बैरियर्स, ठीक है। अब वो बैरियर्स हमारी बॉडी में होते हैं, बैरियर का मतलब क्या होता है, रोकना किसी चीज को, राइट। तो देखो ये ना हमारे पास 4 बैरियर्स होते हैं, तो सारे बच्चे याद रखेंगे, सबसे पहला नाम भी है उनके। हाँ भाई आ रहे आ रहे, तो सबसे पहला बैरियर है मेरे पास फिजिकल बैरियर, ये किसके घर में पानी की टंकी टूट गई है, कैसी आवाज आ रही है ये? हाँ फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, मैं बताऊंगा ये सब क्या है, और लास्ट है मेरे पास साइटोकाइन बैरियर।
ठीक है, तो ये मेरे पास है। अच्छा वो आई है विदुषी, विदुषी ट्वेल्थ, विदुषी विदुषी अनन्या सुकृति। यस सर, वो दोनों नहीं है। वो दोनों नहीं आए, बताओ कितनी शर्म की बात है। सही में अभी ज्वाइन की थी, बताता हूँ अच्छे से। सर दीपा मैसेज डाल दो, एक बार तुम डाल दो जल्दी से। हाँ तो ये मेरे पास चार टाइप के बैरियर है, ठीक है। अब देखो फिजिकल बैरियर की जब मैं बात करता हूँ तो फिजिकल बैरियर के अंदर सबसे पहली बात देखो, हमारे पास स्किन है, ये देख रहे हो स्किन, ये वाली बैरियर है, ये स्किन पूरी की पूरी। अब बताओ ये मेरे मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारा एपिथीलियम है या नहीं, एपिथीलियम पड़ा होगा एक लेयर जो है। फिजियोलॉजिकल सर, पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ना जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो बताओ यहाँ पे म्यूकस ट्रैक रहता है नहीं रहता, म्यूकस मैंने बताया था। तो कुछ हृदय करते रहते हैं ना, पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग, तो सुबह सुबह भी करते हैं, आवाज आ जाएगी तुम्हें जरा खिड़की से बाहर जाके देखना, तो कहीं ना घर से आवाज आएगी अच्छी वाली, ठीक है। तो ऐसे जब करते रहते हो इसका मतलब यहाँ पे म्यूकस रहता है, तो वो म्यूकस को एक्चुअली बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो सांस लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी बाहर से आया है एकदम धूल मिट्टी वाले अपने गांव से आया है, तो वो धूल मिट्टी ना यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है म्यूकस में। तो धूल मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया फंगस हो सकता है नहीं हो सकता है, तो जब तुम उसे बाहर निकालते हो, और जो लोग नहीं निकाल पाते तो वो दो उंगली निकाल के करते हैं और पता नहीं क्या करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे करते हैं ताकि उनको थोड़ी सी उल्टी जैसी चीज आ जाए, ताकि जो भी यहाँ पे ट्रैप हुआ है वो सब बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कुछ लोग लड़कियां भी करती हैं ऐसे, ऐसी वाली बात नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं लड़कियां का नहीं करते सर, लड़कियां तो ज्यादा करती हैं, ठीक है। तो एकदम क्योंकि उनको थोड़ी ज्यादा दिक्कत रहती है ना बैक्टीरिया फंगस से, तो कहते हैं एकदम क्लींजिंग हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है हमारे पास, फिजिकल बैरियर के अंदर आ गया, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, एक तो स्किन वैसी बचा लेंगे, यस आ रही है आपके पास। म्यूकस कैसे जमा हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया कैसे पहुंचते हैं? म्यूकस ऑलरेडी रहता है, म्यूकस ऑलरेडी रहता है, जमा नहीं होता है, म्यूकस हमारे पास ऑलरेडी है, तुम्हारे पास भी है, इनके पास भी है, हमारे पास भी है। अब जब तुम सांस लेते हो तो सांस के जितने भी बैक्टीरिया फंगस होते हैं वो सब ट्रैप होते रहते हैं यहाँ पे, बाहर निकालोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अंदर ना जाए, अंदर वैसे हमारी बॉडी लड़ती रहती है उससे व्हाइट ब्लड सेल से, तो अंदर ले जाने से अच्छा कुछ लोग बाहर निकाल दो, तो वो अलग अलग तरीका है, उससे कुछ ऐसा कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो म्यूकस कोटेड एपिथीलियम, भाई हमारी बॉडी में एपिथीलियम है या नहीं मोस्टली पार्ट्स में, और रेस्पिरेटर पार्ट के अंदर तो म्यूकस भी होता है अच्छा खासा, ठीक है। ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक, अच्छा म्यूकस क्या डाइजेशन ट्रैक में भी हो सकता है, स्टमक के अंदर होता है, राइट, स्टमक में, हाँ इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर भी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, क्या सिर्फ यहीं पर ही हो सकता है? अच्छा चलो यहाँ पर तो है, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता होगा, जैसे फीमेल का जेनाइटल ट्रैक भी होता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में भी थोड़ा बहुत म्यूकस रहता है, तो वो क्या करता है, तो ये जो म्यूकस है ना ये एक्चुअली बताओ म्यूकस थोड़ा चिपचिपा होता है या तो नहीं होता है? चिपचिपा सा होता है, तो ये क्या करता है, ये सारे जर्म्स को ट्रैप कर लेता है, तो इट हेल्प इन ट्रैपिंग द जर्म, ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर जो है ये जर्म्स को ट्रैप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया फिजिकल बैरियर? यस सर। तो इननेट इम्यूनिटी, तो बताओ ये बेबी के पास पहले से रहा होगा या नहीं रहा होगा, म्यूकस कोटेड स्किन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल तो उसका बॉडी के अंदर रहा होगा नहीं है, बिल्कुल यस सर होगा। फिजियोलॉजिकल होता है जो कभी कभी आता है, देखो फिजिकल तो हमेशा प्रेजेंट है, फिजियोलॉजिकल जो कभी कभी होता है, जैसे एक बात बताओ स्टमक के अंदर एसिड निकलता है राइट, तो एसिड कभी कभी होगा या हमेशा निकलता रहेगा? सर कभी कभी, कभी कभी जब तुम खाना खाते हो उससे पहले भी निकल सकता है थोड़ा, तो ये कभी कभी होगा, तो एसिडिटी इन स्टमक, ऐसी जब जब तुम्हारे मुंह में सलाइवा आता है ना, तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है लाइजोजाइम, भाई बताऊंगा ये लाइफ तुमको टेंथ वालों को तो पता होगा अच्छे से, तो ये लाइजोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को मारता है राइट, जर्म्स को मारता है, तो लाइजोजाइम इन सलाइवा, ठीक है। और ऐसा ही नहीं है सलाइवा में होता है, हमारे आंसुओं में भी होता है, तो ये निकलेगा तो बताओ ये बैक्टीरिया फंगस को मारते हुए आएगा नहीं आएगा, क्लीन करेगा नहीं करेगा हमारी बॉडी को, तो ये सब क्या होता है, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को बेसिकली ग्रो होने से बचाते हैं, तो कहना ही सही, प्रिवेंटिव माइक्रोबियल ग्रोथ, इट प्रिवेंटिव माइक्रोबियल ग्रोथ, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेलुलर बैरियर, तो जैसे कि मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रोफिल्स होते हैं राइट, लिम्फोसाइट होते हैं राइट, एज आई टोल्ड यू भाई, जब बेबी पैदा हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी है या नहीं? Yes,
कई बार तो होता है डब्ल्यूबीसी, मैंने तुम्हें बता रखा है कि इनके अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइड हो सकते हैं, ये मैंने समझाया था, लिम्फोसाइड बहुत अच्छी चीज होती है हमारी बॉडी के लिए। इसी को हम एक चीज और बोलते हैं एनके लिम्फोसाइड, मतलब नेचुरल किलर। नेचुरल किलर का मतलब ये दूसरे वाले गंदे गंदे सेल्स किल करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल किलर लिम्फोसाइड्स। तो लिम्फोसाइड ही बोल सकते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मेरे में एक चीज और लिखवाई थी न्यूट्रोफिल्स, भाई याद है ना एनल मैप? यस सर, सब आ जाएंगे इसमें क्या? हाँ हाँ सब आ जाएंगे बिल्कुल, एनल मैप लिख सकते हो। एनल मैप का मतलब न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइड, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, बेसोफिल, याद है ना ये सब? अच्छा सबसे कम कौन सा होता है? क्योंकि एन सबसे ज्यादा होता है, इस तरीके से डिक्रीजिंग अमाउंट होता है एनएल मैप, ठीक है? तो इस तरीके से कम होता रहता है, ये रिपोर्ट में भी होता है। जब तुम जाओगे ना कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाओगे तो उसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा रहता है एनएल मैप ऊपर से लेके नीचे तक। तो हाई सबसे कम क्या देखेगा तुम्हें? बेसोफिल, और ज्यादा क्या देखेगा? न्यूट्रोफिल। अगर ऑर्डर गड़बड़ है तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ है इन्फेक्शन, अगर ऑर्डर अलग हो गया तो, ठीक है? अब एक लास्ट, हमारी बॉडी में साइटोकाइन बैरियर भी होता है, तो एक हमारी बॉडी में ना इंटरफेरॉन्स होते हैं। ये इंटरफेरॉन्स के देखो ये ना एक्चुअली कभी कभी निकलता है। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में एक वायरस ने तुम्हारे सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया। अच्छा तुमने मूवीज देखी है कि एक कहते हैं कि आपने मेरे को तो मार दिया लेकिन मेरे स्किलों को किले को नहीं ध्वस्त कर पाओगे तुम। सब वो देखिए सर, ताना जी ताना जी लास्ट में मर जाते हैं या जिंदा रहते हैं? मर जाते हैं ताना जी, और लेकिन वो किले को बचा लेते हैं या नहीं? उस नगीनी से, उस नागिन से नागिन जो थी वो, ठीक है, वो जो गोला गोला फेंकती है तो उससे बचा लेते हैं, उनका हाथ वाल कट जाता है। तो इसके यही हमारे पास कुछ सेल्स हैं, बड़ी अच्छी बलिदान देते हैं, ठीक है? तो अभी तो बदबू इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो ऐसा खुद तो मरेंगे दूसरों को ही मार देंगे, कि ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब कि मैं तो मरी ना तू भी मर, ठीक है? तो ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल। तो इसीलिए अगर कोई भी सेल इन्फेक्ट होता है वायरस से तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि भाई अब मैं मर रहा हूँ, इसलिए अपने आप को बचा लो। तो ये इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल से, और ये इंटरफेरॉन अब नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचा लेते हैं। जैसे मान लो सर जो ध्यान से देखना, ये बहुत सारे हैं, ठीक है सर? इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं भाई? ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन। देखो मान लो वायरस ने इसको इन्फेक्ट करा इस वाले को, तो ये वाला क्या कहेगा? अब तो ये मर जाएगा क्योंकि इसने वायरस ने इस पर अटैक मार दिया। लेकिन ये साथ में क्या निकालता है? ये साथ में निकालता है इंटरफेरॉन्स, ये ग्रीन ग्रीन, कि हमें तो मैं तो मर गया। तो ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं अब इन सब के अंदर, ऐसे इसको बचाने का काम करेंगे। हैरी पॉटर देखिए सबने? नहीं सर। तुम लोगों को कुछ नहीं पता है दुनिया के बारे में। हैरी पॉटर में जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से मारने के लिए आता है तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की क्या कहानी है कि उसके पेरेंट्स मर जाते हैं, लेकिन क्या हैरी पॉटर मर पाता है? नहीं, वो बच जाता है। हैरी पॉटर के पेरेंट्स खुद मर जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है, प्यार वाली ताकत आ जाती है, राइट? बोला तो यही है, लव वाला कुछ ऐसा आ जाता है कि जिससे हैरी पॉटर मर नहीं पाता लेकिन उसके निशान रह जाता है, उसकी माँ का प्यार। यस, तो इसीलिए एक तरह से बताओ तो बचा लिया ना उसी ने। तो वही वाली बात है जो इंटरफेरॉन्स है। तो बताओ ये जो मरकर भी जिंदा रह के काम कर गए, जो लोग जिंदा होके नहीं कर पाते उसने मरते मरते करवा दिया, कैसे सच्ची और कुछ बात हो सकती है? नहीं भाई, वो जिंदा रहते हुए तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन मरकर तो तुम्हें बचा दिया, जो वायरल इन्फेक्टेड हुआ सेल, कितनी अच्छी बात है, सीखो इनसे कुछ, ठीक है? लेकिन आजकल के लोग जिंदा भी रहते हैं दूसरे को मार भी देते हैं, बताओ। तो वायरल इन्फेक्टेड सेल से, अरे ये कौन है, ये खाना खा रहा है? पर देखो कैसी आवाज आ रही है, कैसी सब्जी बनी है हमारे घर में, बच्चे में बच्चे, ठीक है? तो ये इंटरफेरॉन सेल है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज को नॉन इट्सर और सेल्स को। हाँ, और सेल्स का मतलब जो अब तक इन्फेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं? सर जो नहीं हुए हैं। हाँ, क्योंकि जो इन्फेक्ट हो गए वो तो खुद ही मरने वाले हैं, उनको क्या बच्चे प्रोटेक्ट करोगे तुम? सर तो कोई एंजाइम रिलीज होता है भाई, प्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। ओके सर, ये जो प्रोटीन है ये बड़ा अच्छा प्रोटीन है, बचाने में हेल्प करता है वायरस से। ठीक है श्रुति सर, मुझे एक डाउट है। हाँ हाँ पूछिए, मना थोड़ी क्या है सर। आपने लूज सॉरी एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज में मास्ट सेल्स के बारे में बताया था। हाँ, सर आपने बोला था कि वो भी एलर्जी और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। हाँ, हाँ, तो सर वो कौन से में आएंगे? सेलुलर बैरियर में आएंगे? हाँ बोल सकते हैं उसे, सेलुलर में आएंगे बिल्कुल।
लेकिन जब बेबी छोटा होता है चलो एलर्जी इतनी जल्दी इतना ज्यादा कुछ खास होती नहीं है, एलर्जी होती है जब बाहर गार्डन वार्डन में जब जाते हैं तो बेबी को ठीक है गार्डन में लेके जा सकते हो अगर तुम्हारा मन है, लेकिन एज सच एलर्जी का होता है बेसिकली बाद में आना स्टार्ट होता है ठीक है। तो ऑफकोर्स ये सेल भी हो सकते हैं, मास्ट सेल भी हो सकते हैं ठीक है, हो सकते हैं मास्ट सेल भी, तो ये सब सारी चीजें आ जाएंगी उसी के अंदर। सर इस साल आईएफसी का एनुअल फंक्शन होगा, अभी तक एज सच डिसाइड नहीं है श्रेयांश, बट सर ट्रिप होगी यार, वो ही तो कह रहा हूँ जितनी भी चीजें जो अब तक चलती आ रही है ट्रेडिशनल वे में, चाहे ट्रिप हो चाहे फंक्शन हो चाहे अवार्ड सेरेमनी, जो भी चीजें होती है ठीक है वो सब अभी तक जब तक कोरोना का सीन है। सर अगले साल दो करा देना सर, बोर्ड की बात करा देना सर प्लीज। सर अगले साल दो दो करा देना और स्टार्टिंग में करा देना साल के, क्योंकि टेंथ है। वी विल टेक केयर। ये जो नए बच्चे है ना ये कह रहे की वो ये सब क्या बातें हो रही है तुम्हें पता ही नहीं है, अब नए बच्चे ना क्यों क्या सर हमारी ट्वेल्थ की बात करा देना। ठीक है ठीक है, कोशिश करेंगे ठीक है भाई। तो ये हुआ हमारे पास इन नेट के बारे में, क्या इन नेट के बारे में किसी को भी कोई डाउट है? नो सर, पता लगा हमने ट्रिप करवाया और कोई लेकर आ गया अच्छी सी चीज वहां से, तो बस हमारा तो हो गया काम। पेरेंट्स अगर ऐसे ही सुना सुना के अगले साल तक तो सही हो जाएगा, पूरा नॉइडा इंफेक्ट कर देंगे। वैसे वैक्सीनेशन की बहुत पॉजिटिव उम्मीद है कि मे बी एक महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी टाइम लगना है एक्चुअली बहुत। मुझे लगता है कि सिचुएशन, क्योंकि तुमने देखा होगा WHO ने एक अनाउंसमेंट जारी करी है कि ये कोरोना लंबे टाइम तक रह सकता है। Yes, sir. पहले एक बार जाएगा, उसके बाद थोड़े महीनों बाद फिर से आएगा। वेरी गुड। देखो कौन सी प्रोफेसी पढ़ के आया, बहुत अच्छी बात बोली है, मैं बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि जितने सर ऐसा हर वायरस के साथ हुआ है। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चा है बहुत क्यूट, ठीक है अच्छी बातें बोलता है। हाँ तो हमारे पास क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी बात करते हैं, तो बताओ ये कौन से सेल्स है जो पहले से ही थे बाद में एक्वायर हुआ लाइफ टाइम के? तो कहना इसे इट इज इम्यूनिटी, इट इज एन इम्यूनिटी विच इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। यस सर। ठीक है तो अब देखो हमारे पास जो वैक्सीनेशन होता है वो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। क्या बेबी को एक बच्चे एक औरत ने क्या करा, वैक्सीनेशन दे दिया बेबी को अंदर ही अंदर, और जब वो पैदा हुआ तो कह रहा देखो देखो अब इननेट बन गया ये, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, जबरदस्ती मत बनाना कि नहीं देखो वैक्सीनेशन मैंने इननेट करवाया, देखो तो ऐसा नहीं है ठीक है। मान लो एक टीचर ने एक औरत से पूछा कि बताओ वैक्सीनेशन किसमें आता है, उसको पता था नहीं, उसने बोल दिया इननेट, तो टीचर ने कहा शट अप माय डियर लैंग्वेज, उन्होंने कहा नहीं इननेट ही होता है, वो पकड़ गए उससे। तो ठीक है तो ठीक है तुम बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं पता, तो कह रहे सर शर्ट लगा रहे मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। तो जब वो आगे जाके उसकी शादी हो जब उसका पहला बेबी हुआ तो उसने बेबी को इंजेक्शन दे दिया बताओ वैक्सीनेशन, कह रही लो मैंने प्रूव कर दिया। तो बताओ उसने प्रोफेसर से वो करने के लिए उसने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया बताओ? फिर हम आती है सीमा पे, पर वो एक जस्ट एक कहानी थी, ऐसा रियल में नहीं हुआ था ठीक है। तो इसी चीज हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यूनिटी ठीक है। तो अब एक्वायर्ड में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया देखो दो मेन चीजें इसके अंदर, एक होता है हमारे पास स्पेसिफिसिटी जैसे कि मैंने बताया था क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है, और एक चीज हमारे पास होती है मेमोरी ठीक है। अभी मैं वैक्सीनेशन के बारे में तो मैं बताऊंगा, आई गेस तुम लोगों को पता भी है, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था तुम लोगों से कैन वी फूल अवर इम्यून सिस्टम, एक एक चीज मैंने पूछी थी किसी को याद है? नहीं सर इतना कहां याद है। यस यस सर, यस सर, मैंने की पूछी थी कैन वी फूल अवर इम्यून सिस्टम, तुम लोगों ने बोला था यस, यस सर, ना भी बोला था कि नहीं नहीं सर हम तो खुद ही फूल है, तो वो अलग बात है। तो अब उनको कौन फूल है, तो इसका मतलब दो चीजों के ऊपर हमारे पास ये चीजें हैं, स्पेसिफिसिटी स्पेलिंग गलत हो गई, अरे क्या स्वास्तिका तुम क्या कर रही हो विपक्ष से, मुझे पता है मैंने पता है मैंने बोला नहीं, तुमने बोला तो तुम अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो सर विपक्षी, सर विपक्षी कुर्सी छोड़ के भाग गए ये लोग, यहाँ पे ध्यान रखना ये सब पक्ष में है ये सारे सरकार में हमारी, अच्छा स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो हमारा इम्यून सिस्टम पहचानना चाहिए ना उसे कि कौन सा फॉरेन एजेंट है,
जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में एक तुमने कोई भी दाल खा ली, ठीक है, मान लो एक दाल खाई, तो अब तुम्हारी बॉडी ने सोचा ये दाल कहाँ से आ गई है, मारो इस दाल को, तो वो तो उसको फॉरेन एजिंग की तरह ट्रीट करने लग जाएगी, तो क्या ये अच्छी बात है? नो, नहीं अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर करा है, ठीक है, और अगर वो बैक्टीरिया को पहचान रहे हैं, तो अब वो तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको पहचानना चाहिए कि ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसे खिलाफ बनाओ, तो स्पेसिफिक है। अच्छा मान लो तुमने दही खाई, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो उन्होंने उसको पहचान लिया, लेकिन उन्होंने पहचानने के बाद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसका क्या रीजन? क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया है। हां, कैन आई से, क्योंकि वो खतरनाक बैक्टीरिया नहीं है। यस सर, उन्होंने पहचान लिया कि ये बैक्टीरिया तो है लेकिन इसको मारने का फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नुकसान ही नहीं कर रहा। अरे भाई, जब तक बॉडी में फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वेरी गुड, ये बहुत फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ठीक है, वेरी गुड। स्पेसिफिसिटी में वो ये पहचानेगा कि किसको मारना है किसको नहीं। सो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश many different foreign agent, मान लो किसी की बॉडी में पहचान ही नहीं पा रहा कौन क्या है, वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, लेकिन वो सबको एक जैसा ट्रीट कर रहा है कि चलो बाहर क्यों, अभी रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रहा किसके खिलाफ कैसा एक्शन लेना है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार, तो इसीलिए ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। क्या ऐसी एबिलिटी उसके पास थी, इननेट के पास, कि किसको मारना है किसको नहीं? वो जनरल सबके लिए था। अब मेमोरी, अरे ये मेमोरी तो सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम, मैंने एक साथ एग्जांपल भी लिया था प्रथम और उसका सक्षम का, याद है कि मान लो इनकी पहली बार लड़ाई हुई, तो पहली बार लड़ाई में ये दोनों पिलकर आ गए एक दूसरे से, एक दूसरे खूब थप्पड़ थप्पड़ लगे, एकदम लाल होकर आया दोनों के दोनों, घर वालों ने पूछा भी कि क्या हो गया, उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ना लिपस्टिक लगा लिया, हल्के कह रहे नहीं लेकिन तो बहुत लाल हो रखा है, कह रहे नहीं नहीं वो ऐसी बस, ठीक है। तो फाइनली अब ये अगले दिन स्कूल आए, तो अगले दिन स्कूल आए तो बताओ इनको पता होगा नहीं पता होगा कि कहाँ पे मारने से कहाँ पे ज्यादा एकदम कौन सा सेंसिटिव पार्ट है? पता होगा सर, पता। Yes, sir. तो वही इस तरीके से, तो हमेशा फर्स्ट टाइम तुम्हें लग जाता है पहचानने में, लेकिन दूसरी बार तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ये बात तुमने देखी होगी मोदी जी के लिए भी, जब पहली बार इलेक्शन हो रहे थे तो मोदी जी ने खूब ताबड़तोड़ रैली करी थी, खूब ताबड़तोड़ रैली, अब उनको पता है इतनी रैली करी, अडानी अंबानी से पैसा आया, खूब रैलियां, कम से कम हजारों तो नहीं ज्यादा हुई, 500-600 रैलियां खूब हुई है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार इलेक्शन हुआ उन्होंने कोई इतनी खास रैली नहीं करी, उनको पता था कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो आराम से, वेरी गुड, मुझे पता था भाइयों बहनों बोला, हाँ, तो वो बस तो उनको पता था, तो इसका मतलब पहली बार में उनको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन दूसरी बार में उनको पता लग गया कि मेरे खिलाफ कोई लड़ी नहीं सकता, मैं लड़ेगा भी तो इतनी सीट आएंगी नहीं, ठीक है। तो वो था सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी में जब कोई चीज, ये वैक्सीनेशन क्यों दी जा रही है, ये वैक्सीनेशन इसलिए दी जा रही है, वैक्सीनेशन एटेनुएटेड पैथोजन होता है, मतलब वैक्सीनेशन में तुम्हें हम कोरोना वायरस देंगे जानबूझ के, लेकिन जो कोरोना वायरस दे रहे हैं क्या वो एक तरह से जिंदा होगा, क्या वो स्ट्रॉन्ग कोरोना होगा? नहीं, जानबूझ के वीक कोरोना देंगे, वीक कोरोना, तो वीक कोरोना देंगे, मरा हुआ कोरोना देंगे, तो तुम्हारी बॉडी से पहचान तो लेगी, ओए ये कौन आ गया, अरे अरे ये कौन आ गया, तो एकदम से पहचान लिया, लेकिन क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा? नो सर, नहीं, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा, नहीं बनने लग जाएगा, यस सर, बनाने लग जाएगा, उसको मारेंगे लेकिन वो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जैसे मान लो, ये कैसी बात हो गई कि एक तो है असली की चुड़ैल और एक है मान लो एक अच्छे से इंसान ने चुड़ैल का वो पहन लिया है, एक ऊपर से महंगा चुन्नी पहन लिया, ठीक है, चुड़ैल का, अब बताओ वो सब डरा रहे हैं, तो बताओ अब वो अंदर ही अंदर तुम्हारा दोस्त था, क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? नो सर, लेकिन वो आ गया तो बताओ तुम उसको मारने के लिए डंडा उठाओगे या नहीं उठाओगे? अगर तुम्हारे सामने आ गया उठाऊंगा डंडे से, खूब मारा पकड़ पकड़ के, आज तुमने मार दिया, लेकिन बेचारा वो उसमें बात बता रहा तुम्हारा दोस्त था वो, लेकिन बताओ तुमने ठंडा उठाया था या नहीं उठाया उसके खिलाफ? यस सर, उठाया, उठाया, ठीक है, लेकिन क्या उसने वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? नो सर, नहीं पहुंचाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, एक तो फिर तो जिम पर होता, कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें, ठीक है, वो सब एकदम, मतलब क्योंकि पता है वो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए दिया गया है, तो वही वाली बात। तो मेमोरी का मेन काम क्या होता है, जब भी फर्स्ट टाइम होता है तो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर पर जो भी कोई वायरस फर्स्ट टाइम, जैसे तुमने सुना होगा चिकन पॉक्स एक बार होता है दोबारा नहीं होता, नहीं जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम उसे कॉन्टेक्ट में नहीं आओगे तो नहीं होगा,
अरे कौन है, उल्टी आ रही है तो जाओ वॉश मशीन में जाओ, अगर किसी को उल्टी आ रही है तो प्लीज यहाँ पे बताओ, बताओ स्क्रीन गंदी कर दी। तो ये फैलता कैसे चिकन पॉक्स? फैलता देखा जाए तो एयर के थ्रू भी फैल सकता है, क्योंकि ये वायरस है ना, तो वायरस जिस तरीके से फैलता है उस तरीके से सारी चीजें फैलती है। ठीक है, अगर तुम उसके आसपास हो तुम्हें भी हो जाएगा, जैसे चिकन पॉक्स जब किसी के होता है, तुम्हारे भाई को नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को भी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? लेकिन जब उसको मार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो बताओ अब ये सब जो हुआ है ये सब एक स्टोर रहेगा नहीं रहेगा हमारी बॉडी में? यस सर, नहीं रहेगा। तो अब डराओ मत सर, को ये भी चीका मेमोरी और ये कुछ एंटीबॉडी को रखता है, ताकि जैसी कोई भी एक आएगा तुरंत के तुरंत उस पर अटैक मार के उसे खत्म कर दिया। सही क्या लिखा है? पैथोजन इज रिमूव्ड, वो नहीं उसकी सेकंड लाइन, इम्यून रिस्पांस बाय व्हिच पैथोजन इज बाद वाली, इट क्रिएट्स मेमोरी। क्या क्रिएट की स्पेलिंग गलत है? अच्छी बात है, हम जानबूझकर कर रहे हैं, मैं ये थोड़ी सर ये तो भी उसे बोला अपना माइक बंद करके हंसा। अच्छा अच्छा, अरे अरे कैसे ही तुम वो कर रहे हो, कोई बात नहीं, हंसने तो सबको सबका अधिकार है सर। सर आओ जिस हंस रहे, ठीक है भाई जो भी हो थोड़ा माइक बंद करके हंसो। ठीक है, कभी कोई बच्चों का एकदम कान फट जाता है ना, तो तेज आते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल भी देंगे अर्चना अर्चना पूरन सिंह। हाँ चलो भाई, ठीक है भाई। तो मेमोरी जो होती है, चुप हो जाओ, मेमोरी होती है बताओ, इसके पास एबिलिटी होती है नहीं होती सेल्फ और बाहर के सेल्फ को पहचानने की? अपनी बॉडी के खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम एक्ट करने लग जाता है, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून, अपने ही सेल को नष्ट कर रहा है। तो ये अच्छी बात, उसका फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है भाई, ये ड्रॉबैक है कमी का इम्यून सिस्टम का। सर लाइसोसोम्स जैसा फंक्शन? लाइसोसोम्स भाई, अबे भाई लाइसोसोम वो तो अपने सेल को खत्म करते हैं जब वो होता है। एक सेकंड चुप हो जाओ तुम, नाइन वाले बच्चों बोर कर दिया तुमने सारे हाई वाले बच्चों को। लाइसोसोम जो होते हैं जब कोई सेल इन्फेक्ट होता है तब अपने सेल को खाते हैं, और ऑटो इम्यून रेंडमली कहीं भी हो सकता है किसी को, वैसे बहुत रेयरली होता है लेकिन होगा तो। ठीक है, लाइसोसोम टेस्ट होना अच्छी बात है, क्योंकि वो तुम्हारे गंदे सेल को खाता है। क्या तुम गंदे हो? हाँ तुम गंदे हो तो ठीक है, तुमको खाना तो अच्छा हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी इम्यून सिस्टम तुम्हारी बॉडी के खिलाफ काम कर रही है। क्यों? क्योंकि तुम हरकतें ऐसी करते हो, क्या करें। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो ये हमारे पास तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कौन सी दो मेन चीज होती है? किसी पर डिपेंड करता है, सेल्फ और बाहर के सेल्स को पहुंचाने में, अपने सेल के खिलाफ काम नहीं करेगा, दूसरे सेल्स के खिलाफ काम करेगा। अपना इसका एक पहला पार्ट आ रहा है, देखो इसके अंदर मेरे पास ना सबसे ज्यादा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पैर होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो चीजों से चलती है, एक होती है मेरे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल ह्यूमरल को ही हम बोलते हैं ह्यूमरल, और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सोच समझ के लिखना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए कुछ नहीं। हाँ, और दूसरी होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास दो टाइप की इम्यूनिटी है। अब देखो ह्यूमरल का मतलब और ये सेल मेडिएटेड का हम पूरा ट्रेलर पढ़ने वाले हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम्हारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करेगा, डिजीज कॉजिंग एजेंट बनेगा, तो डॉक्टर क्या कहता है, तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। यस सर, सुना होगा। यस सर, तो अब जब वो एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी में बनते हैं ना, तो एंटीबॉडी बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारी बॉडी। तो एंटीबॉडी का एक नाम सब याद रखेंगे, बोलेंगे इम्यूनोग्लोबिन। एवरीबॉडी से दैट इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। हाँ, तो जब भी डॉक्टर बोले एंटीबॉडी बन रही है, यस इम्यूनोग्लोबिन इज टेकिंग टाइम। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन ताकि डॉक्टर को लगे तुम्हें ही पता है सब चीजें। ठीक है, तो टीचर को डॉक्टर बहुत अच्छा लगा, क्या बताओ तुम्हारी फीस कम करते, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, आगे जाके डॉक्टर बनेगा। ठीक है, तो बढ़ाएगा नहीं वो। ठीक है,
तो तुम ऐसे गंदे डॉक्टर पास गई क्या जो बढ़ा देगा बता? ठीक है तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन, तो देखो एंटीबॉडी हमारे पास बहुत सर, क्या पता जॉब पे रख ले। चुप हो जाओ, ये आईजी का मतलब क्या है विपक्ष? तुम क्या कर रही हो बताओ? तुम सिर्फ मतलब मेरी बात काटने के लिए बैठी हो क्या तुम सिर्फ? हाँ, तो ये मेरे पास आईजी है। आईजी का मतलब क्या है? ठीक है, आईजी का मतलब क्या है हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन? तो ये बहुत सारी टाइप के एंटीबॉडी बनाता है, सारे बच्चे याद रखेंगे। IgA, IgD, IgE, IgG, ये अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी है, अलग अलग रिस्पॉन्स के लिए निकाल निकाल लेती है, ठीक है। और IgM, बेसिकली मेरे पास ये पांच टाइप की एंटीबॉडी है जो कि अलग अलग, कोई एलर्जी के लिए निकलता है, कोई खतरनाक वायरस के लिए निकलता है, कोई सिंपल तुम्हारी बॉडी में बैक्टीरिया गया तो उसके लिए निकलता है। और इनकी पावर भी अलग अलग होती है, किसी की पावर ज्यादा हो जाए किसी की कम होती है, ठीक है। छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए छोटी पावर निकलेंगी, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें याद रखना है एंटीबॉडी कितनी टाइप की होती है, पांच याद रखने तुम्हें अभी एज ऑफ नाउ। IgA, IgD, IgE, IgG और IgM, ठीक है, याद रखोगे सारे बच्चे? Yes, अच्छा yes, ये एंटीबॉडी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखना हमारी बॉडी में एक होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट होता है। और ये बी लिम्फोसाइट्स क्या निकालते हैं हमारे पास? तो ये हमारे पास निकालते हैं ये पांच टाइप के एंटीबॉडी निकालते हैं, ठीक है। और ये आईजी का मतलब क्या है कोई बता सकता है? आईजी का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। वेरी गुड, इस आईजी का मतलब है अपने आप में इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। अच्छा देखो अब ना ये तुम्हें एक चीज याद रखनी है, देखो हमारे इनके ऊपर ना एक एंटीजन होता है जिसकी वजह से पहचाना जाता है। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मान लो मेरी बॉडी में मेरे जो सेल्स हैं तो मेरे वो मेरे को जानते हैं मेरे सेल्स। लेकिन अगर मान लो कोई भी एक वायरस एंटर करा तो वायरस के ऊपर ना एंटीजन होता है, मतलब उसी को कुछ लोग एंटीजन भी बोलते हैं। तो एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। जैसे मान लो तुम इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी का बैच होगा ना एक अलग से बैच, ऐसी जब तुम स्कूल में जाते हो तुम्हारी यूनिफॉर्म होती है, वो तुम्हारी पहचान है या नहीं कि तुम किस स्कूल के स्टूडेंट हो? तो वही एक तरह से क्या होता है, एंटीजन वाला काम होता है। तो एंटीजन से ही पहचाना जाता है कि बेसिकली कि किसके खिलाफ कैसी एंटीबॉडी बनेगी और किस टाइप की बनेगी। तो एंटीजन एक तरीके का क्या करेगा, रिकॉग्निशन का काम करता है, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो ये मेरे पास जो चेन है, अरे कुछ नहीं बस इतना ध्यान रखो एंटीजन एक रिकॉग्निशन फैक्टर होता है, ठीक है। अगर कोई भी मेरे पास वायरस आया है या कोई भी बैक्टीरिया है तो उसके पास अपना एक एंटीजन होता है, बस इतना ध्यान रखो। सर ये IgA, IgD ये सब लिम्फोसाइट्स हैं या इम्यूनोग्लोबिन है? ये सब एंटीबॉडी के नाम है जो हमारी बॉडी में बनती है। एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी इस टाइप की हो सकती है IgA, एक एंटीबॉडी IgE, जैसे एलर्जी होती है तो एलर्जी के खिलाफ जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है वो IgE होती है, ठीक है। जब बेबी होता है, जब मदर उसको दूध पिलाती है तो उसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं ताकि बेबी को प्रोटेक्शन मिल सके। तो उस मदर के मिल्क के अंदर IgA होता है ताकि बेबी को एंटीबॉडी मिल जाए, क्योंकि बेबी अभी खुद तो बना नहीं पाएगा, बेटी नहीं बेबी, क्योंकि बेबी भी खुद तो बना नहीं पाएगा, तो इसीलिए, ठीक है, तो हो जाएगा IgA, ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है, अब ना देखो ये जो इनकी मैं अभी एक IgA का बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी शक्ल ना देखो इस तरीके से होती है एंटीबॉडी की, मैं ग्राफ डायग्राम बना रहा हूँ तो तुम्हें एक बस आइडिया मिल जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ये वाई जी शेप होती है, देखो ये ना एक पूरी चेन है, ये भी एक पूरी चेन है, तो बताओ ये और एक चेन ना मेरे पास ये, देखो एक सही सुनना, ये क्या है मेरे पास, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अच्छा बताओ इनमें से हैवी चेन कौन कितनी है, एक दो तीन या चार, हैवी भारी कौन सी लग रही है, रेड रेड वाली लग रही है वो बड़ी है ना, तो इसलिए से बोलते हैं एच टू। और लाइट चेन कौन सी है, लाइट चेन एल वाली, हाँ ये मतलब ये वाली सॉरी ब्लू वाली, हाँ तो ये हो जाएगी एल वाली। क्या सर आपने जो बनाया मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। तो H2L2 है, ये मेरे पास एक एंटीबॉडी का डायग्राम है जो हमारी बॉडी में जब भी एंटीबॉडी बनती है तो उनकी शक्ल इस तरीके से होती है, जो तुम्हारी बॉडी में वायरस पैथोजन को मारती है, ये है वो IgA। तो सर इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे पैक होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे, क्योंकि वो एक्चुअली ना ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये है ये उस एंटीजन पे अटैच होने में हेल्प करता है जो भी वायरस है, मान लो
ये एंटीबॉडी आई, तो इसका यही वाला वो पार्ट है, ये वाला जिससे वो उसके साथ अटैच हो जाता है, उसको मारता है। और सर ये एक सिंगल है? हाँ, ये एक सिंगल एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ओके सर, तो इसमें लाइट चेन भी होती है दो और हैवी चेन भी होती है, और ये आपस में बॉन्डिंग से भी, अभी बॉन्डिंग तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है ठीक है, तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स भी होती है बहुत सारी, तो वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है तुम्हारे लिए। तो ये मेरे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, ये है ह्यूमरल इम्यूनिटी, समझा है ना? यहाँ पे देखो ह्यूमरल, ह्यूमरल का मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर होता है भाई। एंटीबॉडी क्या होती है? हमारे ब्लड के अंदर होती है, नहीं होती? तुमने सुना होगा कि सर प्लाज्मा दे दो, जो जो कोरोना से ठीक हो गए वो प्लाज्मा दे दे, क्या एक ब्लड होता है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है। जब तुम कोरोना से ठीक हुए हो तो तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर रह गया होगा ना एंटीबॉडी, तो अगर वही प्लाज्मा मैं तुमको दे दूंगा तो एंटीबॉडी तुमको डायरेक्ट मिल गई, बनानी ही पड़ी तुम्हारी बॉडी को, नहीं ऐसा। अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई मान लो 20 दिन बाद या 15 दिन बाद, अब अगर उसकी बॉडी से प्लाज्मा लगा के अगर जो जैसा अभी किसी को कोरोना हुआ है अगर मैं तुरंत लगा दूं ये प्लाज्मा तो उसकी बॉडी में तुरंत एंटीबॉडी आ जाएंगी, इतना टाइम नहीं लगेगा बचाने में, तो बस हो जाएगा काम, बच जाएगा वो ठीक है। मेन बात बस यही होती है क्योंकि हमें 15-20 दिन लग जाते हैं एंटीबॉडी बनाने में, अगर तुम उस टाइम में बच गए तो ठीक है, अगर तुम नहीं बच पाए तो मर जाओगे, इसका मतलब है कुछ लोग एंटीबॉडी बनने से पहले ही मर जाओगे। आया सर? तो एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगता है। हाँ भाई ऑब्वियसली ना, मान लो तुम्हारी बॉडी में कोरोना वायरस गया तो वो कोरोना वायरस आज तक तुम्हारी बॉडी में गया ही नहीं था, तो तुम्हारी बॉडी ने पहचान है कि इसको मारने के लिए हमें एक अलग टाइप की एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, तो उसको बनानी पड़ेगी, तो एनर्जी लेगी ना तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी बॉडी वीक क्यों हो जाती है क्योंकि सारी एनर्जी एंटीबॉडी बनाने में लग रही है, ऊपर कोरोना वायरस का टाइम कटता जा रहा है। ओके सर, ठीक है, तो इसलिए अगर अगर तुम उसको झेल गए, बना ली तुमने, जैसे कॉमन कोल्ड होता है 5 दिन में ठीक क्यों हो जाता है, क्योंकि 5 दिन में एंटीबॉडी बन गई, ठीक है बन गई तो एकदम अच्छी बात है फिर, लेकिन एकदम से ठीक नहीं होता क्योंकि अभी भी तो जैसे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, टाइम लगेगा बॉडी को। वेरी गुड राशि, हाँ एंजॉय करो, वेरी गुड। हमारे हमारे पास एक किसी घर में हो रहा है बेबी डॉग पप्पी, वेरी गुड। आ रहा है हमारे पास सेल मेडिटी इम्यूनिटी। अच्छा मैंने बताया अभी ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताया, उसका नाम ह्यूमरल क्यों था, उसका नाम ह्यूमरल क्यों था भाई बताया? क्योंकि वो ब्लड में, यस ह्यूमरल का मतलब होता है क्योंकि वो ब्लड में रहता है हमेशा, ह्यूमरल का मतलब ब्लड के अंदर रहता है प्लाज्मा, ये ब्लड पूरा का पूरा। अब आता है सेल मेडिएटेड, देखो ह्यूमरल के अंदर किसने रोल प्ले किया, कैनाई से ये एंटीबॉडी किसने बनाई? टी लिम्फोसाइट्स। ऐसी हमारी बॉडी में एक और होते हैं जिसे हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो सेल मेडिएट के अंदर किसका रोल आता है? टी लिम्फोसाइट का आता है। तो टी लिम्फोसाइट एक्चुअली में क्या करती है, तो देखो हमारी बॉडी में ना दो चीजें निकालती है, एक होता है हमारी बॉडी में साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स, और एक होता है मेरे पास हेल्पर टी सेल। ये टी लिम्फोसाइट्स निकालते हैं? हाँ टी लिम्फोसाइट करवाती है ये सब। तो देखो अब होगा क्या, हमारी बॉडी में ठीक है जैसे मान लो कोई भी एक पैथोजन आया है तो ये नेचुरली घूमते ही रहते हैं किलर टी सेल, तो जहां पे भी इनको कुछ भी दिखेगा कुछ भी गड़बड़ है, मान लो कोई स्पेसिफिक टारगेट पे आगे, मान लो किडनी पे अटैक मार दिया, इंटेस्टाइन पे अटैक मार दिया, स्टमक पे अटैक मार दिया, तो ये उस पर्टिकुलर टारगेट सेल को जो भी वायरस पैथोजन उसको डायरेक्ट मारने का काम करेंगे डायरेक्टली। अगर वो उससे मर गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उससे नहीं मर पाया तो एंटीबॉडी फिर बनानी पड़ेगी भाई। अभी जैसे मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे मान लो हमारे देश के अंदर जैसे मान लो चाइनीज सेना घुस गई, तो अभी हम चाइनीज के लिए मान लो चाइनीज की जो असली मानने वाली सेना है वो मान लो केरला में बैठी हुई है, मान लो एकदम स्ट्रॉन्ग वाली फोर्स, तो अभी जो हमने वहां पे सेना लगा रखी है वो नॉर्मल फोर्स है, मतलब एक जनरल फोर्स है, चाहे कोई भी आ जाए वो सबको ऐसे ही मार, ठीक है सुनने आया? लेकिन जो पता है रफाल मंगवाए, रफाल मान लो मध्य प्रदेश में, तो अब अगर ज्यादा अटैक हो रहा है तो अब रफाल को बुलाएंगे ना बाद में, तो रफाल वाले एंटीबॉडी तो बाद में आएंगे, लेकिन जो जनरली प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वाले किलर टी सेल, ये चाहे कुछ भी हो ये बस नॉर्मली मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो कहना ही से दे हेल्प इन किलिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइट, सिर्फ ये किल करते हैं, नहीं आया समझ? कोई भी पैथोजन होगा तो ये पैथोजन को डायरेक्ट किल करेंगे, किसी भी तरीके का मैकेनिज्म अपनाएंगे बस उस चीज में, ठीक है।
ठीक है। अब आते हैं मेरे पास ये हेल्पर टी सेल, देखो इनका नाम ही सिर्फ हेल्पर टी सेल है, तो ये हेल्पर टी सेल ना कुछ भी काम नहीं करते, बस ये क्या करते हैं एक्चुअली में जो एंटीबॉडी बन रही थी ना पहले, बस ये उस चीज को हेल्प करते हैं कि और बनाओ और बनाओ। जैसे मान लो तुम कोई वो खेल कुश्ती लड़ने के लिए गए और कुश्ती लड़ने के लिए तुम्हारे नाम की आवाज गूंज रही है, मान लो कोई बोला है सिमरन सिमरन ये है हीरोइन, इसके आगे सब है जीरोइन, या मान लो ऋषभ है ऋषभ ऋषभ ये है हीरो इसके आगे सब है जी, मान लो ऐसे कोई कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो बताओ तुम्हारी जो एनर्जी होगी वो एकदम बूस्ट अप होगी या नहीं होगी। मान लो तुम हारने वाले भी होगे तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आएगी, नहीं नहीं मैं ही जीतने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि लोगों ने शोर मचा रखा है वहां पे। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर। एक बार हेल्पर टी सेल का बता दो। हाँ वही बता रहे हैं ना, तो हेल्पर टी सेल क्या कर रहा है, तो एक तरह से एंटीबॉडी को बूस्ट करने का काम करवा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, ये जो हमारे पास हुआ अभी मैंने बताया कि तुम्हारे नाम का वो लग रहा था, मतलब तुम्हारे नाम का जयकारा लग रहा है कहीं पे, तो तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी, वो मैं ही राजा हूँ या मैं ही रानी, तो इस तरीके से तुम्हें एनर्जी आती है, वही क्या होता है हेल्पर टी सेल करवाता है, ठीक है। तो कह रहा है इसे इट एक्टिवेट्स द प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, ये एक्टिवेट करता है एक तरह से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, yes, वो कौन से सेल थे जो एंटीबॉडी बना रहे थे? हेल्पर टी सेल किसको एक्टिवेट कर रहा होगा? अगर बी सेल को एक्टिवेट करेगा तो फिर वो ज्यादा क्या निकालेगा? एंटीबॉडीज। लेकिन क्या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है? जो लोग तुम्हारे नाम का जयकारा लगा रहे हैं क्या वही लड़ रहे हैं डायरेक्टली? नो सर, वो मजे ले रहे हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। जैसे मान लो जब तुम्हारी क्लास में लड़ाई होती है तो कुछ लोग शोर मचाते हैं, यस सर, कुछ भी कभी देखा है, ताकि वो और लड़ाई करें, ताकि उसके अंदर कुछ हार्मोन निकल जाए, वो हार्मोन में हार्मोन इतनी तेजी से निकलता है कि बस को सोच ही नहीं पाते, इतने में तो हो जाता है दूधा दू, ठीक है, क्योंकि बच्चों करवाए इनडायरेक्टली करवाया बच्चों ने, लेकिन अब डायरेक्टली हो गया तुम्हारे साथ, तो इसलिए ऐसे हरकतों से बच के रहे। तो इसलिए हेल्पर टी सेल बॉडी में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम रियल लाइफ टाइम हेल्पर टी सेल बनने की कोशिश कर रहे हो तो बेटा तुम अपने दुश्मन का सॉरी अपने दोस्त के साथ विश्वासघात कर रहे हो, ठीक है। हाँ अगर कहीं पे मैच हो रहा है तब बिल्कुल करवाओ, तुम्हारे नाम का होना चाहिए ये सर, ठीक है भाई। नहीं आया कुछ समझ में सर? ये सर आ गया सर। पाकिस्तान और इंडिया का ये सब बॉडी के ही तो पार्ट है, तो ये सब बॉडी के अंदर ही तो हो रहा है, ठीक है। ये क्योंकि जब तक टी लिम्फोसाइट नहीं होगा हेल्पर टी सेल निकलेगा ही नहीं, तो टी लिम्फोसाइट ने हेल्पर टी सेल निकाला जो जाके किसकी हेल्प कर रहा है? बी लिम्फोसाइट की हेल्प कर रहा है, ठीक है। नहीं आया समझ में किसी को? जैसे मान लो एक सुहानी थी एक रिया थी, ठीक है, मान लो ऐसी, ठीक है, सुहानी और रिया है, तो सुहानी ने मान लो तो सुहानी ने देखा एक छोटा सा बेबी है, मान लो किसी का भी, सुहानी ने एक छोटे से बेबी को गोद लिया और इसको बड़ा किया, ऐसे रिया ने भी किया, लेकिन हुआ क्या, अब सुहानी रिया तो आपस में दुश्मन है, तो सुहानी ने एक छोटे से बेबी की हेल्प करी रही, लेकिन ये बेबी एक्चुअली में किसकी हेल्प कर रहा है? इस रिया की। ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं मेरे घर में क्या होता है, क्योंकि सुहानी लेने नहीं जाती स्कूल से, तो इसने क्या करा, इसको रिया मिल गई, तो रिया ने ऐसे बिहेव किया कि वैसे मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, तो उसने सब राज खोल दिया उसको, तो बताओ इनडायरेक्टली फायदा किसका हो गया? रिया का होगा, नहीं हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? ज्यादा फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग तो बताओ फ्यूचर देखने लग गए, ठीक है, यस वापिस आ जाए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, यस। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा एक सिनेरियो था। अब इसी को देखते हुए बस एक बस मैं छोड़ रहा हूँ, बस हो गया मेरे पास। अब एक तरह से एक अब ये पूरा खत्म हो चुका है, बस एक छोटा सा एक टॉपिक और है। इम्यूनिटी को हम दो तरीके से और डिवाइड करते हैं, वो खत्म हो चुका है, अब नया टॉपिक स्टार्ट है यहाँ से। एक होता है मेरे पास एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, और एक मेरे पास होता है पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव। वो कहां गई, विपक्ष है यहाँ पे? यस सर है। क्या कर रही हो तुम? और एक मेरे पास होता है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फर्क क्या होता है, सर मुझे ध्यान से देखिए। देखो भाई सुनना ध्यान से, जब तुम्हें वायरस हुआ कॉमन कोल्ड हो गया तो तुम्हारी बॉडी ने 5 या 10 दिन लगाए, ठीक है,
तो तुम्हारी बॉडी ने 10 दिन लगाए, तो अब 10 दिन बाद या 5 दिन बाद तुम्हारी तुम एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे या नहीं होगे? हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे ना एकदम, जुकाम ठीक होता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है जुकाम, राइट? इसका मतलब वो तुम्हारी बॉडी अपने आप ठीक हुई है, तुमने दवाई लेके ठीक करी है? सर अपने आप, अपने आप ठीक होता है, जुकाम तो अपने आप ही ठीक होता है गांव वाले बच्चों, कुछ लोग तो सोच ही नहीं पाते ये सर। नहीं सर, कभी कभी नहीं होता है सर। हाँ वो एक्चुअली मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ ना, तो ये सर, तो ये क्या था सर? हाँ अरे हाँ हाँ तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है मेरा मत मानो विपक्ष, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कुछ सुपर सुपर वुमन भी तो होते हैं ना, तो सुपर वुमन हो इसीलिए बोल रहे हैं। यस सर, हम तो आम जनता है भाई, आप हो आप है राजकुमारी, तो ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला, बुरा मानने वाली थोड़ी बात है। मैं तो आम जनता हूँ, शायद कुछ बच्चे भी होंगे जो मेरे साथ है, बाकी बाकी सब तो राजकुमार है राजकुमारी है, ठीक है, बुरा नहीं मानने वाली बात है इसमें, वेरी गुड। यस, तो हमारे पास तो एक्टिव इम्यूनिटी की जब बात की जाएगी, तो मैंने क्या बताया, जब तुमको वायरस हुआ तो तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बनी थी, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी नहीं बनी थी, 5-6 दिन के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी बन चुकी है, तो अभी तो हमला हो जाएगा तो जो भी तुम्हारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आया था, तो अब वो किल हो गया, तो ये काम तुम्हारी बॉडी ने अपने आप किया या तुमने दवाई के थ्रू करवाया? अपने आप, ये जो एंटीबॉडी हुई है ये बहुत स्ट्रांग हुई या वीक हुई? स्ट्रॉन्ग हुई ना, क्योंकि तू सबको मार दिया उसने, स्ट्रॉन्ग हुई, थोड़े टाइम बाद आया लेकिन हुई तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, इसको डेवलप करने में टाइम लगा या नहीं लगा? टाइम लगा, राइट। अच्छा अब बताओ, अगर अगर सेम वही वायरस अगर अगले दिन आएगा तो क्या तुम्हें फिर से जुकाम हो जाएगा? कभी सेकेंडरी हो जाएगा ना वो, और सेकेंडरी में तो कभी बीमार पड़ते ही नहीं है, अगर दूसरा वायरस आएगा तो बीमार पड़ेंगे, ठीक है भाई, याद रहेगा। अच्छा तो बताओ, yes, sir. तो एक्टिव इम्यूनिटी में एक बार हो गया फिर दोबारा नहीं हुआ, तो फिर ये एक तरह से वैक्सीनेशन वाला भी एक्टिव में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, yes, sir. आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब मान लो पैसिव इम्यूनिटी पे आते हैं, मान लो किसी की बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रही, जैसे तुम देखो बुढ़े बुढ़े लोग हैं उनकी एंटीबॉडी नहीं बनती, तो ये प्लाज्मा बैंक जो डोनर हो रहा है, प्लाज्मा बैंक जो है वो किसके लिए बनाया जा रहा है? इन्हीं के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, बुढ़े बुढ़े लोगों के लिए। अब मान लो कोई भी, मान लो एक दादा जी है किसी के, मान लो ऐसी, ठीक है, वो बेचारे हो गए, उनको कोरोना हो गया, अब इन दादाजी की एंटीबॉडी नहीं बननी ना 20 दिन हो गए, तो अभी लेकिन फिर भी झेल रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी जगह ठीक नहीं हो रहे। अब मान लो इनके ब्लड ग्रुप को मैच करते हुए हमने क्या करा, इनकी बॉडी में प्लाज्मा डाल दिया किसी का, अब प्लाज्मा डाल दिया, अभी थोड़े जो ठीक हो गए और 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। अब बताओ ये एंटीबॉडी इनकी खुद की थी या इन्होंने बाहर से ली थी? बाहर से ली थी। अच्छा, बाहर से ली थी, तो मुझे एक बात बताओ, जब इन्होंने एंटीबॉडी बाहर से ली थी तो अब वो एंटीबॉडी अपना काम कर रही है, तो बताओ क्या ये एंटीबॉडी इनकी लाइफ टाइम तक रहेगा? नहीं, नो सर, ये तो खत्म हो जाएगा ना कुछ टाइम बाद, क्योंकि सारे मर जाएंगे। यस सर। अच्छा देखो, एक्टिव वाले मरते नहीं है, एक्टिव वाले तो तुम्हारी बॉडी ने खुद ही बनाए थे, तो उसका तो भंडार है बहुत सारी है, लेकिन ये पैसिव वाले बाहर से लिया था, तो क्या ये भी हमेशा के लिए है? नहीं, तो बताओ स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा माना जाएगा, एक्टिव या पैसिव? पैसिव वाला तो एक तरह से दवाई जैसा है ना, कहते हैं लोग डेली दवाई लेनी पड़ती है, डेली फिर उसका असर खत्म हो जाता है, ले रहे हो तो वो किस वाला में आ जाएगा, एक्टिव या पैसिव? पैसिव वाले में। अच्छा, पैसिव के लिए जैसे एक्टिव में बहुत टाइम लगा डेवलप होने में, तो पैसिव के लिए भी बहुत टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए? पैसिव आए तो जल्दी से इफेक्ट आएगा, राइट, एक दिन के अंदर ही आ जाएगा? नहीं आया सर, आ गया। तो बताना इसमें हमारी एंटीबॉडी किस में होती है, एक्टिव में या पैसिव में? एक्टिव। अच्छा मुझे बात बताओ, एक बेबी है, ठीक है, बेबी अभी हुआ है और मम्मी उसकी मम्मी उसे दूध पिला रही है, ठीक है, और उसमें उसकी मम्मी के दूध में एंटीबॉडीज होते हैं, कहते हैं पहला दूध मां का दूध, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती है, तो अब अगर बेबी को मिल्क मिल रहा है उसके अंदर एंटीबॉडी आ गई, तो बताओ बेबी के लिए वो एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ? पैसिव। और उसको इंजेक्ट कर देते हैं हम अपनी बॉडी में, इंजेक्टेड इनटू अवर बॉडी, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा ये कम टाइम लेगी, राइट, क्योंकि जल्दी से थोड़ा बाहर से लिया है, तुम्हारी बॉडी ने खुद थोड़ी बनाया है, तो इट टेक्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये शॉर्ट पीरियड लेगी,
अच्छा ये फास्ट होगा स्लो होगा काम? फास्ट होगा, फास्ट होगा, फास्ट होगा। अच्छा ठीक है, ये एकदम तो कोई जैसे मान लो सांप ने काट लिया, अब सांप के काटने के लिए हमें एकदम एंटीबॉडी चाहिए, तो हम एक्टिव करवाएं या पैसिव करवाएं? अरे एक्टिव करवाने में तो मर जाओगे ना, अगर मान लो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा 5 दिन, इतने में तो सांप सांप से तो मर गए आधे घंटे के अंदर। समझ में आया? नहीं आया समझ? आ गया। ठीक है, तो इसीलिए तो ये तो क्विक के लिए पैसे भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली क्या है? तो एंटीबॉडी डेवलप बाय इटसेल्फ। ये कुछ बच्चे छोड़ छोड़ के भाग गए, मुझे पता है, क्योंकि इनको मन कर रहा है, बस हो गया सर क्या बताया इतना सारा पढ़ा रहे हैं। अभी रुक जाओ, अभी सबके खिलाफ एक्शन लूंगा मैं। ये जो जो लोग छोड़ छोड़ के भागे ना भाई, एक तो इनके लिए क्लास करवाओ संडे को, ऊपर से ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे तो कहीं के हम वो कर रहे हैं। सर आगे पढ़ा दो। वेरी गुड बच्चे, ये क्या लेता है? ये टाइम लेता है टू डेवलप इम्यूनिटी। अच्छा लंबे समय तक कौन रह पाता है हमारी बॉडी में? एक्टिव। ठीक है भाई, तो ये सब है हमारे पास। तो वैक्सीनेशन वाला किसमें आएगा? एक्टिव में। और अगर देखा जाए माँ का दूध पीना, ठीक है, इस तरीके से अगर उसमें एंटीबॉडी मिली है बेबी को, तो वो पैसिव में आ जाएगा। ठीक है, दवाइयां तुम ले रहे हो एंटीबॉडीज वाली, तो ये सब इसी के अंदर आ जाएगा, पैसिव के अंदर। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? कुछ लोग ये बोल रहे कभी कभी कि सर हम वैक्सीनेशन तो बाहर से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं तो सर वो तो पैसिव हुआ ना। अरे भाई बाहर से तुम दवाई थोड़ी ले रहे हो, एंटीबॉडी थोड़ी ले रहे हो, बाहर से तुम पैथोजन ले रहे हो, तो बनवा तो तुम अपनी बॉडी से रहे हो ना काम एंटीबॉडी, तो इसलिए वो एक्टिव हुआ। ठीक है, अगर तुम बाहर से एंटीबॉडी लेते तो वो पैसिव माना जाता। चलो ठीक है, तो इसी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये पूरा साइटोकाइन बैरियर के बारे में बताते हैं, डिस्कनेक्ट होता है। साइटोकाइन बैरियर जो होता है हमारी बॉडी में इंटरफेरोंस निकालता है। इंटरफेरोंस, इंटरफेरोंस एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि अगर तुम्हारी बॉडी में कोई जैसे मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, 5 सेल है हमारे पास, इसमें से 1 सेल खराब हो गया, तो अगर 1 सेल खराब तो 1 साल अगर खराब हो गया वायरस से, तो अब यही इंटरफेरॉन निकालता है और ये इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाने का काम करता है। ठीक है, ओके, मतलब खुद मर के भी दूसरों को बचा लेना, यही होती है असली मित्रता, यही होती है असली साइटोकाइन बैरियर की क्षमता। ठीक है भाई, तो बी ए साइटोकाइन बैरियर, तो मतलब खुद मर के दूसरों को बचाओ। वेरी गुड ध्रुव अग्रवाल, क्या बात है। अच्छा ये ध्रुव अग्रवाल वही है ना जिन्हें टॉप किया है? अरे वॉइस के चेहरे पे तो एकदम चमक आ रही है। वेरी गुड, क्या वॉइस है। अच्छा ध्रुव अग्रवाल यही ना जिन्हें जो जिसके 100 आया शायद? अरे वाह, एक बार तालियां बजा दो। अच्छा ये ध्रुव अग्रवाल तो वो है जो एक्सपेरिमेंट करता है, एम आई राइट? थैंक यू सर। अरे वाह, अच्छा पैच शिफ्ट किया है ना शायद? तुम नॉर्मल पैच से फाउंडेशन में आए हो ना? यस सर। ओके, आज ही आया हूं। ओके, आज ही आया हो, वेलकम बैक। देखो ये कितना अच्छा है कि हमारे बैच में आता है, इसने 100 स्कोर कर लिया, क्या ये इत्तेफाक नहीं हो सकता? ये जरूर हमारे बैच का जादू है। ठीक है, जोरदार तालियां बजाएंगे। सर क्लास सर आपकी क्लास करने से पहले 100 कर लिया, सर आपकी क्लास करने से पहले 100 कर लिया, तो आपका जयदीप सर का दूसरा मिशन है। ठीक है सर, वो तो जयदीप सर का जादू है ना फिर? सर वो तो जयदीप सर के जादू हुआ ना फिर? अच्छा मतलब जयदीप सर का जादू हुआ क्योंकि वहां से निकाल के यहाँ पर आ गए, तो उसके 100 आ गए। सर आपने थोड़ा ना पढ़ाया था लेकिन ये वाले चैप्टर इसे। अच्छा ठीक है, चुप चाप चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।